तो बेटा हमने स्क्रीन अब शेयर कर दी है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो हम लोग ने पिछले टर्म पे जो पढ़ा था वो ग्रुप्स हम लोग ने पढ़े थे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिन ग्रुप्स। तो मैंने बताया था कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट कब बनते हैं। हम बेंजीन पे, जैसे फिनॉल होगा, बेंजीन पे जैसे हमने OH लगा दिया, टॉलुइन लगा दिया, तो इन सबको लगाने से, एनिलीन के होने से, जब बेंजीन पे NH2 होता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। इस तरह के ग्रुप्स होने से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मैंने तुमको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन भी दिया था। इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होते समय ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जैसे जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन के समय NO2+ क्रिएट होता है ना? तो NO2+ क्रिएट होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो CH3+ क्रिएट होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो CH3CO+ होता है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब कहाँ जाके अटैक करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेटा इन ग्रुप्स की प्रेजेंस पे बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाता है। तो बेटा राधिका, तुमको तो यहाँ तक आवाज आ रही है अभी तक? यस सर, राधिका आवाज आ रही बेटा? यस सर, ओके, तो बेटा अब तुमको थोड़ी सी और बातें याद रखनी होंगी, वो हम थोड़ी देर में तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप, हम लोग वापस से हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे लिखिए, हमारे साथ लिखिए द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप। लिखिए हमारे साथ, पहले लिखना स्टार्ट लिखिए, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, द इनकमिंग ग्रुप टू अ पर्टिकुलर पोजिशन, टू अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोजिशन is called the is called the is called the directive influence of group, directive influence of group। तो बेटा अभी हमने काफी आसान सी बात लगाई है कि अगर बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, अब वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकता है, मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ बेंजीन रिंग टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप। तो वो आने वाले ग्रुप का स्वागत करता है और वो बताएगा कि वो कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे। तो बटा मैंने तुमको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बताए थे। आज तुम हेडिंग डाल दो दूसरे नंबर पे, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान दीजिएगा हेडिंग का, मैंने आपको जो पहले हेडिंग डलवाई है, अगर आप अपने प्रीवियस नोट्स में देखें तो उसमें लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। लेकिन अब जो हम हेडिंग बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है, दिस हेडिंग इज मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं करते, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बेंजीन रिंग में पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी,
क्योंकि रेजोनेंस होगा, किसी भी ग्रुप का जो लोन पेयर होगा वो बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेंजीन रिंग में ऊपर से लोन पेयर किसी ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का आएगा तो उसकी डेंसिटी को और बढ़ा देता है, तो हम लोग कहते हैं उसको एक्टिवेटर्स है वो। लेकिन अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाते हैं तो बेंजीन रिंग में वो एक्टिवेट नहीं करता, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप उल्टा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे तुमने ऐसे कोई ग्रुप देखे हैं अभी तक, तो तुम कहोगे यस सर मैंने देखा। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने बताया था कि ये जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटर्स है, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच बनाते हैं। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, ये उल्टा काम करते हैं, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच बनाने की बजाय डेफिशिएंट बनाते हैं। जैसे अगर हम बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा दें तो NO2 क्या ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लगेगा, बेंजीन रिंग से नीचे से ऊपर की तरफ सारे NO2 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो एल्काइल ग्रुप होते हैं, है ना, और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं उसमें सबसे पहला मैंने ग्रुप आपको लिखवाया था, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं करता है बेंजीन रिंग को, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है। इसलिए हम नाइट्रो ग्रुप के आगे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगाया था कि ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने आपको माइनस आई इफेक्ट में भी लिखवाया था, और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो बेटा तुम्हारे सामने अभी हमने एक NO2 लिखा हुआ है, मैं दूसरे ग्रुप भी लिख रहा हूं, जैसे CN हमने तुम्हारे सामने लिखा है, CHO लिखा है, COOH लिखा हुआ है, SO3H लिखा हुआ है, COCH3 लिखा हुआ है, ये सारे ग्रुप्स जो होंगे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच नहीं बनाएंगे, उल्टा डेफिशिएंट बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से राधिका तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अगर अब हम कि तुम्हारे सामने कोई एग्जांपल लें तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे बेंजीन रिंग पे मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे तुमने एक CN लगा दिया, इसका नाम होता है साइनोबेंजीन। अगर बेटा हम इसका नाइट्रेशन कराते, क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन तुमको पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो बेटा इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो मेटा प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की थी कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, उसके बगल वाली मेटा होती है। तो देखो बेटा मैंने मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया है। तो बेटा आपको क्लियर करना होगा कि जब हम मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखेंगे तो उनसे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस करते समय यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट होता है, यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जब NO2+ अटैक करने आएगा तो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और NO2+ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां नहीं अटैक करता, वो कहां चला जाता है, सीधा मेटा पोजीशन पे चला जाता है और मेटा प्रोडक्ट बना देता है। कुल मिलाकर के आपको ये देखना होगा कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप लगे हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाओ, मेटा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप लगे हैं तो मेटा वाला प्रोडक्ट बनाओ। बस इतना सा इसका कंसेप्ट होता है और कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो अगर तुम देखना चाहो तो हम तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल दिखाते भी है। देखिए जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल देते हैं,
उसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं, तीसरा नंबर वो हेडिंग होगी। चलिए तीसरा नंबर हेडिंग डालिए क्योंकि मेटा आप समझ चुकी हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग। ये देखो बड़े अजीब टाइप के ग्रुप होते हैं जिसको तुम्हें भविष्य में धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं डीएक्टिवेटिंग। क्योंकि तुमने अभी क्या देखा, इससे पहले देखा तुमने कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स, फिर तुमने देखा मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स, अब तुम पता है क्या देख रही हो, देख रही हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसका मतलब आप समझिए कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि दीज ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड डीएक्टिवेट इट, हाउएवर दीज डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। द कॉमन एग्जाम्पल आर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी बेटा इस तरह के ऐसे कौन से ग्रुप हैं ये जो इफेक्ट शो करते हैं, इस तरह के बेटा ग्रुप जो होते हैं वो ज्यादातर हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स क्या होते हैं बेटा, हैलोजन्स का इफेक्ट तो होता है, हैलोजन्स के पास लोन पेयर तो होता है, लोन पेयर की वजह से उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करते हैं। लेकिन जो हैलोजन्स होते हैं उनका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर हैलोजेंस इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, जैसे आपके सामने फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, अगर इस तरह के केस आते हैं और आपके सामने कोई देता है कि आपको क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना है, तो बेटा जब आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो आपके मन में आएगा कि यहां पर कौन से प्रोडक्ट बनाए। अब मैंने ऑर्थो पैरा लिखा है तो ऑर्थो पैरा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो एक बार बच्चों NO2 ग्रुप लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार NO2 लगेगा पैरा पोजीशन पे। तो ऐसे तो समझना काफी आसान है कि भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही सीधा याद कर लो, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है, एक एक्टिवेटर है एक डीएक्टिवेटर। अब तुम कहोगे सर डीएक्टिवेटर कैसे हो गए, हम तुमको सिखा रहे हैं, अब देखो डीएक्टिवेटर कैसे हो। बेटा अगर हम कोई भी हैलोजन लगाते हैं बेंजीन पे तो उसकी दो चीजें मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक बेंजीन रिंग बनाई, अब बेंजीन रिंग में मैंने जैसे यहाँ पे क्लोरीन अटैच की, तो लेकिन क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। तो लोन पेयर बेटा क्या करेगा, लोन पेयर तुम कहोगे सर रेजोनेंस करेगा। बेटा जब ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस ऐसे ही तो करेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, और जहां से उठा था वहां प्लस और जहां डलेगा वहां माइनस। तो तुम समझ गई, ये फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो तुम कहोगे सर इसमें तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि फिर से सिंगल फिर से डबल और ये प्रोसेस चलता रहेगा और अब की नेगेटिव चार्ज इस तरह के चला जाएगा, तो ये प्रोसेस बेटा चलता रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज तो तुमने देख लिया कहां कहां क्रिएट हुआ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए NO2 वहीं जाके जुड़ा है क्योंकि NO2 प्लस को वहीं जुड़ना होता है। लेकिन बेटा मैंने यहां पे डीएक्टिवेटर इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो हैलोजन्स होते हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट भारी पड़ जाता है, माइनस आई इफेक्ट भारी पड़ जाता है और वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लेता है, इसलिए बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी करता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ऑर्थो पैरा है, लेकिन साथ में ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट इनके रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा होता है। बात ये है कि इनका माइनस आई इफेक्ट इनके रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा होता है, और जो बेटा पहले वाले ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछले टर्म पे बताई थी, उनकी दोनों तरफ से वो बेंजीन रिंग को सपोर्ट करते हैं, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच भी बनाते हैं और एक्टिवेटर भी बनाते हैं क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट नहीं होता है।
लेकिन जो अभी मैंने ग्रुप तुम्हारे इंट्रोड्यूस किए उन इंट्रोड्यूस में हैलोजन्स है, और हैलोजन्स का माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से माइनस इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा होने की वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट तो ऑर्थो पैरा ही बनेगा, क्योंकि जब अटैक करने के लिए NO2 प्लस आएगा तो उसको ऑर्थो पैरा ही पोजीशन मिलेगी। तो जब बेटा चाहे हम क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन कराएं, चाहे एल्काइलेशन कराएं, चाहे सल्फोनेशन कराएं, कुछ भी कराएं, अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ही बनेगा। तो तुमको बेटा क्लियर है? राधिका तुमको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो तुमको पूरा समझ में आ गया कि मैंने कौन कौन से ग्रुप लगाए? क्योंकि पिछले टर्न पे भी हमने तुमको ग्रुप्स बताए थे, आज के टर्न पे भी हमने तुमको कुछ ग्रुप्स बताए। इन ग्रुप्स के आधार पे तुम प्रोडक्ट बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हो। ओके, हम लोग समझते काफी ज्यादा है, चलिए कुछ वर्किंग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये राधिका के लिए क्वेश्चन है। राधिका, लिखा है क्वेश्चन में, हाउ विल यू हम लोगों ने पिछले टाइम पे काफी सारी मैकेनिज्म भी देखी थी। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। राधिका, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, तुम चेक करो क्या तुम इसको कर सकती हो। मैंने कहा है इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनानी है, तो इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए आपके पास क्या मेथड होगा? कोई मेथड है? इथेनोइक एसिड से बेंजीन किस तरह से बनेगा? तो बेटा हम लोगों को इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, किस तरह से बनेगा इसको आप लोग सोच लीजिए एक मिनट, क्योंकि मैं तो एक झटके में कर दूंगा। तो इसमें जो कॉमन रिएक्शंस आएंगी, हो सकता है अभी तक आपको याद ना हो, वो रिएक्शंस क्लास 10th में भी होती है, तो वो कॉमन रिएक्शंस आप थोड़ी सी यूज करिए, हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले कॉमन रिएक्शंस क्या होती है, कि मैंने आपको इथेनोइक एसिड दिया है, ये इथेनोइक एसिड है, इसकी पहले बेटा ये एसिड है तो उसकी बेस से रिएक्शन कर। एसिड और बेस बेटा कभी भी कंबाइंड होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिडिक, जो एसिटिक एसिड है जिसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये उसका एसिडिक एच है और ये इसका OH है, ये कंबाइंड होकर के वाटर बाहर निकलेगा और सॉल्ट बनेगा, यानी CH3CONa। तो दिस इज सोडियम एसिटेट, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? सोडियम एसिटेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम एसिटेट कहते हैं। अब बेटा बहुत ही एक कॉमन रिएक्शन चलती है एग्जाम में, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। एग्जाम में रिएक्शन चलती है कि अगर सोडियम एसिटेट की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, हीट तो आप सभी में ही करते हैं, सोडियम एसिटेट की रिएक्शन अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं तो मीथेन बनता है। दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन ऑफ क्लास 10th, जिसे क्लास 10th में ये बहुत कॉमन रिएक्शन होती है। हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं कि कभी भी फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है। उसी तरीके से ये भी एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती है कि सोडियम एसिटेट की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर मिथेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मिथेन का। ये रिएक्शंस आप लोग ने विद डायग्राम वगैरह भी बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो आप इसको लर्न कर लीजिए। तो राधिका, यहां पर हम मीथेन का क्लोरिनेशन करते, क्लोरिनेशन तो तुमको याद होगा आई होप, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड बनता है। राधिका, अगर हम इसकी वुड्स रिएक्शन करा देते, क्या कराते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा बेटा? बनेगा इथेन। C2H6। यस, C2H6, गुड।
और अगर बेटा तुमको बिल्कुल अभी भी रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो. अगर हम इसका फिर से क्लोरिनेशन कराए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनेगा C2H5Cl. और बेटा मैंने बताया था इसकी अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराए, एल्कोहलिक KOH, तो मैंने बताया था एक्वस KOH में OH लग जाता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH में क्या जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों कार्बन के बीच में, मतलब एक कार्बन से Cl निकलता है और एक कार्बन से H निकलता है. इसको हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. मैंने एक बार आपको बताया था, कई बार बताया, एल्कोहलिक KOH अगर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि एक कार्बन से क्या निकलता है H और एक से क्लोरीन, उसको हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. और अगर हम इसकी Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो मैंने बताया था एडिशन ऑफ ब्रोमीन कैसे होता है, दोनों कार्बन पे जाकर के ब्रोमीन अटैच हो जाता है. और अगर हम इसकी फर्दर एल्कोहलिक KOH से कराएं तो मैंने बताया था फिर से पहले कार्बन से Br, दूसरे से H, फिर दूसरे कार्बन से Br, पहले से H, इस तरीके से दो बार वैलेंसी कम होगी तो यहाँ पे एल्काइन बन जाएगा. और मैंने बताया था एल्काइन से जब हम एल्काइन को किसमें डालते हैं, रेड हॉट ट्यूब में डालते हैं, तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है. तो एल्काइन को जब हम रेड हॉट ट्यूब डालते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, तो यहाँ पर आपका बेंजीन बन जाता है. तो बेटा इथेनोइक एसिड से बेंजीन मैंने बनाया और उसमें कुछ क्लास 10th की भी रिएक्शन मैंने यूज की जो आपको मैंने अभी बताया. तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल पूरी तरीके से. ओके बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? राधिका क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, जो बेटा हमने अगर फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन लिखी है, अगर तुमने वो कभी नहीं पढ़ी है तो उसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, हो सकता है क्लास 10th में ना पढ़ी हो, तो उसको बेटा ऐसा कहते हैं. अगर मैं आपको डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख के दिखा सकता हूँ और उसका पूरा क्लियर कट मतलब भी आपको बताता हूँ, देखिए वो बनी कैसे है. हो सकता है अब तक आपको ना पढ़ाया हो किसी ने. मैं दोबारा एक बार फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन आपको बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लिखाता हूँ. CH3COOH, ये मैंने राधिका लिखा हुआ है और राधिका इसके साथ रिएक्शन है NaOH की और कैल्शियम ऑक्साइड की. तो बेटा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड मैं इसको लिखता हूँ. तो दिस इज NaOH. मैं दोबारा लिख रहा हूँ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. कई लोग इसको एक साथ भी लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया. तो ये मैंने बेटा लिखा है अभी आपके सामने और इसको हीट करते हैं. जब हीट करते हैं तो बेटा इसका प्रोडक्ट बनता है. कैसे प्रोडक्ट बनता है, आप डायरेक्ट क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मीथेन. अब मीथेन बनता कैसे वो देखिए जरा बेटा. ये Na2 देखो जरा बेटा, देखो ये 2 मोल NaOH होता है, तो ये Na2 हो जाता है. ध्यान से देखना बेटा, ये Na2 हो जाता है और ये COO3 हो जाता है. ध्यान से देखो बेटा, ये Na2 हो जाता है. देखो मैंने, देखो ये Na2 हो गया और ये COO और ये Na2CO3. तो Na2CO3 देखो बेटा इस तरह से इसमें बाहर निकलता है. मैंने Na2CO3 अभी तुम्हारे सामने बाहर निकाला है. देखो NaOH पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो Na2 हो गया और इधर से CO हो गया और वहां से एक ऑक्सीजन और हो गया तो CO3 हो गया. उसके बाद बेटा जो कैल्शियम बचा है ना, वो कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को ले लेता है. क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. अब क्या बचा, अब जो बचा इसमें वो CH3 और H बचा. तो CH3 और H जो बचता है वो बन जाता है CH4. तो बेटा ये रिएक्शन होती है कंप्लीट. इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं. ये टेस्ट ट्यूब वगैरह लेकर के कई सारे बुक्स में डायग्राम्स बने होते हैं. अगर आपको मैं थोड़े से डायग्राम की भी आइडिया दूं तो इस तरह के डायग्राम्स होते हैं. मैं एक रफली डायग्राम्स आपको बनाता हूं. इस तरह से ये बीकर्स होते हैं, बीकर्स बने रहते हैं. बीकर्स के बगल में एक ये स्टैंड होता है, नीचे बंसन बर्नर लगा होता है. बंसन बर्नर से ये हीट हो रहा होता है और यहाँ से एक थर्मामीटर लगा होता है और एक ट्यूब लगी रहती है इस तरह से.
इस तरह के डायग्राम्स आपकी बुक्स में बने रहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे अभी। और मैंने तो आपको बताई कि भाई ये रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है, तो उस रिएक्शन को आप समझने की कोशिश करिए कि स्कूल में किस तरह से लिखी जाती है। तो मैं स्कूल के वे से लिख देता हूँ। स्कूल में इतना ज्यादा नहीं बताया जाता है, उसमें बस सिर्फ ऐसे लिखते हैं CH3COOH और एक एरो बना देते हैं, एरो में लिखते हैं +2NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे लिख देते हैं हीट, बस इतना लिखते हैं। इतना लिखने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं, तो बेटा दिस इज हीट और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है उनका मीथेन +Na2CO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको मैंने स्टेप वाइज आपको लिख करके बताया ऊपर ताकि आपको कंफ्यूजन ना। तो आपके पास बेटा कभी भी अगर एसिटिक एसिड आया और अगर एसिटिक एसिड से मीथेन बनानी हो तो ये काफी आसान तरीका है और ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो राधिका क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो बेटा अब हम लोग थोड़ी सी और रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि बिना रिएक्शंस की जीवन अधूरा है, तब तक हम लोग को समझ ही नहीं आ पाएगा कि हम लोग सीखे क्या है। तो हम लोग कुछ और रिएक्शंस भी करेंगे, जैसे अभी हम एक बहुत ही आसान रिएक्शन करते हैं बेटा, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। तो आप कन्वर्जन लिखेंगे कि बेंजीन से आपको बनाना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये बनाना है। तो तुम कहोगे सर वेरी इजी, आप बेंजीन बनाइए सर, फिर मैं बताती हूँ। तो सर पहले आपने बेंजीन बनाई, आप सर मेटा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो सर मेटा प्रोडक्ट के लिए आपने तरीका बताया था कि पहले आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएंगे, अगर आपने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना दी तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, मेटा नहीं बन पाएंगे। सर आप बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाइए, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन से फिर आप मेटा प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो लगा होगा, NO2 लगा होगा, तो वो मेटा प्रोडक्ट आपको बनवा के देगा। तो सर कन्वर्जन देखते ही अचानक खुश ना हो जाइए, अचानक पहले ये सोचिए कि आपको मेटा प्रोडक्ट बनाना है, तो मेटा ग्रुप किन की वजह से बनेगा, तो वो NO2 की वजह से ही बनेगा। तो क्या करेंगे, बेंजीन का हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर के रिएक्शन करवाएंगे और आपका बेटा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो जाएगा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। और बेटा ये तो आप जानते ही, अगर नाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो गया है उसके बाद आप क्लोरीन लगवाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, इस नाइट्रोबेंजीन का क्लोरोनेशन कर दीजिए। तो मैंने बताया था क्लोरोनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोनेशन करते हैं तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, अब जो NO2 की प्रेजेंस में क्लोरीन आएगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, तो आपका मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनके तैयार हो गया, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो राधिका हम इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन नहीं बनाते बेंजीन से, अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना देंगे तो मैंने अभी बताया था कि क्लोरोबेंजीन जो होता है OP प्रोडक्ट बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इसलिए पहले हम लोग बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं, फिर उसका क्लोरोनेशन करते हैं, और क्लोरोनेशन करेंगे तो जो Cl+ आएगा वो बेटा कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा अटैक करने के, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, राधिका क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हम लोग एक और करते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि बेंजीन से पैरा नाइट्रो टोलुइन बनाए, क्या बनाए, बेंजीन से पैरा नाइट्रो टोलुइन, बेंजीन से पैरा नाइट्रो टोलुइन, पैरा नाइट्रो टोलुइन ये बनाना है। तो वो भी सर वेरी इजी, पहले आप बेंजीन लिखिए और पैरा नाइट्रो टोलुइन बनाना है ना सर, तो एक काम कर लीजिए सर, पहले आप बेंजीन से नाइट्रेशन मत कराइएगा वरना आपका मेटा प्रोडक्ट बनेगा, आप बेंजीन का पहले क्या कर लीजिए, बेंजीन से टोलुइन बना लीजिए
और सर बेंजीन से टोलुइन आप बनाना जानते हैं, क्योंकि बेंजीन पर अगर सी एस थ्री लग गया तो ओपी प्रोडक्ट बनेगा और उसमें से पी वाला प्रोडक्ट आप निकालना है। ठीक है सर, तो सर पहले हम लोग बेंजीन बनाते हैं, तो दिस इज बेंजीन। बेंजीन का बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का हम लोग करते हैं टोलुइन बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर यूज करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसकी हम लोग ने मैकेनिज्म सीखी थी पिछले टर्म पे। तो राधिका आप तो तुमको टोलुइन लर्न हो गया होगा, दिस इज टोलुइन। और बेटा आप तो इजी है, इसका नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करने पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन और एक बनेगा पैरा नाइट्रो टोलुइन। तो बेटा ये हमने नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन वाला वर्ड तो अब आपको क्लियर ही है, इतनी बार आप लिख चुके हैं नाइट्रेशन कि आपको याद हो गया है कि नाइट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बेटा यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं हम इनको सेपरेट करते हैं, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तो हम डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट करते हैं और हमारे पास बेटा पैरा प्रोडक्ट आ जाता है। और राधिका वैसे भी याद रखो कि कभी भी दो तरह के प्रोडक्ट बने ऑर्थो और पैरा, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है राधिका वो पैरा ही प्रोडक्ट होता है, इसलिए तुम्हें हर क्वेश्चन में पैरा ही प्रोडक्ट बनाने के लिए बार बार कहा जाएगा। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आंसर बन करके आ जाएगा, इसका नाम होता है पैरा नाइट्रो टोलुइन। तो राधिका तुम्हें ये क्लियर है बेटा कैसे किया हमने? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो राधिका आप छोटे छोटे कन्वर्जन तुम करोगी, छोटे छोटे कन्वर्जन हम तुमको दे रहे हैं कन्वर्निंग करने के लिए, जो मेरे को लग रहा है कि तुमको करने चाहिए, वरना कुछ याद नहीं रहेगा कि तुमने किया क्या है। तो सबसे पहले छोटा सा कन्वर्जन मेरे को पता है, वो तुम्हें आता है, लेकिन तुम बहुत ही स्पीड में करोगी और मेरे को तुरंत जवाब दोगी कि सर हो गया। तो बेटा यहाँ पर कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन है इथेन टू ब्यूटेन, दूसरा है, ये सारे आपको करने हैं, और अभी के अभी इथाइन टू मिथेन, ये देखो मैंने बेटा राधिका उल्टा दे दिया, इथाइन टू मिथेन, सी पार्ट, इथीन टू इथाइन, नेक्स्ट मिथेन से इथेन तो कोई भी बना लेता है, मिथेन से इथेन तो किसी भी गांव वाले को भी दे दो बना लेगा, ई पार्ट, इथाइन टू ब्यूटाइन। तो राधिका इसमें बेटा चेक कर लो कौन सा अंक को बताना है, वही हम तुमको बताएंगे। ये चारों तो पहले आराम से करो और मेरे को बताओ उसमें कौन सा बताना है, वही हम तुमको बताएंगे।
तो राधिका कौन सा बताना है हमको बेटा? सर बी और ई। बी और ई, ओके बी और ई, ठीक है हम बी और ई देखते हैं अभी तुम्हारे लिए। रुक जाओ, बी और ई क्या दिया है मैंने? इथाइन टू मिथेन। इथाइन टू मिथेन बनाने का भी तरीका बताया तो था, चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा बता देता हूँ, वही क्लास टेंथ वाली रिएक्शन। तो आपका बी पार्ट है वो मैं आपका कर देता हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं सिखा रहा हूँ, सीखो उसको बहुत आराम से। तो कैसे होता है समझिए, यहां पर आपको एक नई रिएक्शन भी बताते हैं इसमें इंक्लूड करके, ताकि आप सीख जाए, इसी में हम शामिल कर देते हैं एक नई तरह की रिएक्शन। वो रिएक्शन में तो होती है बेटा ऐसे, उसको कहा जाता है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ऐसे उसका नाम होता है, मैं तो नाम नहीं देता हूं लेकिन बुक्स वगैरह में लिखा रहता है। जैसे आपके पास मान लीजिए एल्काइन, एल्काइन्स की रिएक्शन आपने की, H प्लस एच टू ओ एच जी एस ओ फोर, यह आपने लिखा। तो अगर कोई ये रिएजेंट लिख दे तो समझ लो एल्काइन्स का हाइड्रेशन कर रहा है, होता कुछ नहीं है, बहुत आसान भाई। अगर आपको एल्काइन में वाटर जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? एक को एच देंगे, एक को ओ एच देंगे, एक को एच देंगे, एक को ओ एच देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ओ एच जुड़ जाएगा, तो उसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनॉल। क्योंकि मैंने आपको टॉटोमेरिज्म सिखाई थी कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर OH जुड़ जाए तो उसको इनॉल कहते हैं, और इनॉल टॉटोमराइज होकर के कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, तो कीटोस का फॉर्म बनता है CH3CHO। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, हो सकता है तुम भी भूल जाओ दो महीने बाद, लेकिन ये तुम्हारे पास इतनी बार आएगी कि तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। दिस इज एल्काइन्स का हाइड्रेशन। और रियलिटी में होता कैसे? आप वाटर अटैच करो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो एक को एच दोगे और दूसरे कार्बन को OH दोगे। अब डबली बॉन्डेड कार्बन OH हो गया, उसको इनॉल कहते हैं, और इनॉल टोटोमराइज होकर के कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज CH3CHO। मैंने तो आपको टोटोमेरिज्म बताई है, नहीं याद है तो कोई बात, आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो। लेकिन बीच के स्टेप्स अगर हम तुमको बताएं तो बीच के स्टेप्स वो किस तरह से बन रहे हैं? बीच के स्टेप्स ये हैं कि ये एक कार्बन को एच मिला और एक कार्बन को ओ एच मिला, और मैंने बताया था कि ये टॉटोमराइज होता है। क्या होता है? टॉटोमराइज होता है। मैंने तो इसकी आपको मैकेनिज्म तक बताई थी कि कीटो से इनॉल कैसे बनता है, इनॉल से कीटो, तो ये क्या हो गया? ये बन गया टॉटोमराइज होकर CH3CH डबल बॉन्ड O। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है तो मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। देखिए, आपने जैसे लिखा CH3CHO, ऐसे आपको मैंने लिखना बताया था। मैंने कहा था कि पहले जो अल्फा कार्बन होता है उससे एक H निकालना, जब अल्फा कार्बन से आप HH+ के रूप में निकालेंगे तो वहां पर कार्बन पे क्या आएगा? एक माइनस चार्ज। जब कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो मैंने बताया था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बताया था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सिंगल का डबल होगा और डबल का सिंगल हो जाएगा और माइनस चार्ज तीसरे एटम पे आ जाएगा, ये रेजोनेंस हो गया। और जो आपने H प्लस निकाला था अब वो H प्लस इसको वापस एड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CHH डबल बॉन्ड CHOH। ये देखो राधिका, राधिका देखो यही चीज है। तो तुमको राधिका जब ध्यान से देखोगी तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि एल्कीन्स के हाइड्रेशन होता जरूर है एल्काइन्स का, और लेकिन एल्काइन्स के हाइड्रेशन में खेल हो जाता है। क्या खेल हो जाता है? कि वो इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये देखो, इनॉल तुमने बनाया था क्योंकि एक को एच दिया दूसरे को ओ एच दिया, लेकिन इनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? कीटो में, क्योंकि किए वाला कीटो ज्यादा स्टेबल। तो राधिका तुम्हें क्लियर हुआ कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की क्या मैकेनिज्म होती है? हाँ बेटा। यस सर। ओके, तो बेटा ये मैकेनिज्म होती है, और ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी होगी, ये एल्काइन्स का हाइड्रेशन किस तरह से होता है। भाई एल्कीन के हाइड्रेशन में तो कुछ है ही नहीं,
एक को एच दे दिया, एक को ओ एच दे दिया, लेकिन एल्काइन्स में खेल हो जाता है, जैसे एक को एच देते हैं एक को ओ एच देते हैं तो कहानी बदल जाती है, वो टोटोमराइज होकर के कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, किसी को भी दो तो बेचा एच और ओ एच लगा के छोड़ देगा सेकेंड प्रोडक्ट, लेकिन रियलिटी में वो टोटोमराइज होता है, इसलिए एल्काइन का हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपका कन्वर्जन बताता हूँ जो आपने पूछा था। उस कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको एक नया उद्घाटन किया, एक नई चीज बताई कि एल्कीन्स के हाइड्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को एच दे दो एक को एच दे दो, लेकिन एल्काइन्स का हाइड्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है, वो टोटोमराइज हो जाता है। तो दिस इज एच प्लस एच टू ओ एच जी एस ओ फोर, क्या बन गया बेटा, ये बन गया सी एच थ्री सी एच ओ। अब तो बेटा क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो, तुम कहोगे सर ये सब हो जाएगा क्योंकि सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। ये मैंने आपको बताया था, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। और अभी हमने बताया था कि एसिड की सोडा लाइम से रिएक्शन कराओ, मतलब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बनता है राधिका, मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो राधिका तुम देख लो, बन गया इथाइन से मीथेन, इथाइन से मीथेन बन गया। ठीक है बेटा, राधिका ओके तो बेटा हम, तुमने एक लास्ट पार्ट पूछा था, क्या पूछा था, इथाइन, एक और कौन सा पूछा था, भूल गए, सो इथाइन टू टू ब्यूटाइन, अच्छा इथाइन टू टू ब्यूटाइन, ओके ओके बताते हैं, अभी बताते हैं, बहुत इजी है ये। तो उसमें अब हम नई रिएक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यू इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैं तुमको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ उसको, जो पढ़ाया था उतने में ही बता देता हूँ। तो कन्वर्जन है इथाइन टू टू ब्यूटाइन, ये तो बेटा ये हो गया इथाइन, इसकी रिएक्शन बेटा मैंने की NaNH2 से, किससे, NaNH2 से, ये बेटा मैंने रिएक्शन बहुत आसान होती है। तो मैंने बताया था बेटा NaNH2 से दो मोल रिएक्शन कराओगी तो दोनों ये जो एच होते हैं ना बेटा ये एसिडिक एच होते हैं, तो ये एसिडिक एच क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, सोडियम अजाइड होता है ये, तो ये NaC, मैंने बताया था इस तरह के सॉल्ट्स बनते हैं। तो हमने बेटा दो मोल NaNH2 यूज करके दोनों तरफ के एच उड़ा दिए और उसको सॉल्ट से रिप्लेस कर, और इसकी रिएक्शन बेटा दो मोल CH3Br से करा दो, दो मोल CH3Br से करा दो। अगर तुम सही से कराना चाहती हो तो हम तुमको सही से लिख के बता देते। तो मैंने बताया था CH3Br दो मोल कराएंगे तो एक बार इधर से लिख दो और एक बार इधर से लिख दो, तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से NaBr बाहर निकल जाता है, NaBr बाहर निकल जाता है और बेटा डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखो बेटा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया और इसी का नाम है ब्यूटुआइन, ब्यूटुआइन, तो इथाइन से ब्यूटुआइन। तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली रिएक्शंस पढ़ी तो काफी हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशंस भी अब आना चाहिए इस स्टेज पे कि हम लोग उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे। ओके तो मैं एक और तुमको रिएक्शन करने के लिए देता हूं राधिका, एक और हम लोग रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन है इथेन से इथेन टू इथाइन, इथेन टू इथाइन, इथेन टू इथाइन, ये आपको करना है इथेन टू इथाइन, मैं लिख देता हूं, अच्छा इथेन टू इथाइन, ये बेटा नेक्स्ट है।
कोशिश करो कि तुमसे ही हो जाए, इथेन से इथाइन, वरना हम तो बता ही देंगे। यस सर, हो जाएगी वाली, हो गई सर आपने वो लास्ट वाले में भी अभी करवाई है तो हो जाएगी। ओके तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ठीक है, पक्का हो जाएगी ना, हम आगे बढ़े। यस सर। ओके, अच्छा राधिका तुम्हारी बहन भी बैठी है ना, बहन भी कह रही है यस सर। क्या सर, तुम्हारे साथ कोई बैठा भी है ना शायद? यस सर। हाँ वो उसकी भी आवाज आ रही है, यस सर। चलो ठीक है, ओके बेटा, तो ठीक है, हम लोग राधिका आप तुम्हारे सामने पहली बार एक नई चीज बना रहे हैं, उसको तुम्हें समझना होगा कि वो किस तरह से हम बना रहे हैं आपके सामने। तो समझिए, इसको बेटे कहते हैं सड़क का रास्ता, इंग्लिश में कहते हैं रोड मैप। तो हम पहली बार तुम्हें बनाना सिखा रहे हैं, देखो रोड मैप कैसे बनता है। तो बेटा इसको हम बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, देखो तुम पहली बार बना रहे हैं, जितना समझ पाओ उतना समझना, घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने तुम्हारे सामने लिखा मीथेन, ठीक है, अब बेटा मीथेन देखो कैसे चलता चला जाएगा। तुमने कहा सर मीथेन लिखा आपने, हमने कहा यस लिखा। तो बेटा मीथेन को देखो हम किस तरह से चला रहे, हमने कहा मीथेन का क्लोरोनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो तुमने कहा सर मिथाइल क्लोराइड बन गया। फिर हमने कहा इसकी वुड्स रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर। तो तुमने कहा सर इथेन बन गया। मैंने कहा इसका क्लोरोनेशन करो, तो तुमने कहा सर ये तो जानते हैं सर ये इथाइल क्लोराइड बन गया। हमने कहा अच्छा इसकी एक्वस एन ओ, एक्वस KOH से कराओ, एक्वस KOH, ध्यान देना एक्वस KOH लिखा है। तो तुमने कहा सर ये भी हो जाएगा, ये बनेगा CH3CH2OH का, बहुत बढ़िया, तुम तो तुरंत बता लेती हो। अच्छा चलो थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छेड़ देते हैं। अब बताना तुम, हमने कहा इसका ऑक्सीडेशन करो, इसका ऑक्सीडेशन करो। तुम कहोगे सर प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके अच्छा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो, सर अभी तो बताया था एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। अच्छा बड़ी जल्दी बता लिया, एक काम करो इसकी NaOH से रिएक्शन कराओ, प्लस NaOH। तो सर आपने बताया था NaOH से सिर्फ रिएक्शन बनेगी तो सोडियम एसिटेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ने कहा वाह, अब तुम राधिका ये बताओ कि अगर तुम सोडियम एसिटेट बना सकती हो तो तुम सोडियम एसिटेट से क्या मिथेन नहीं बना सकती? कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, सर हमको बस एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, तो सर वापस मीथेन बन जाएगा। का बिल्कुल सही, यानी राधिका हम लोग जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, लेकिन यहां पे कई सारे और भी खेल चल रहे थे। कौन सा खेल चल रहा था जानने के लिए देखते रहिए, ये देखो ये एक और नया खेल चल रहा है इसमें। तुमने कहा ये क्या चीज है, हमने कहा बेटा ये अल्कोहल है, और अल्कोहल का मैंने आपको बताया था अगर डिहाइड्रेशन करते हैं 443 केल्विन पे तो क्या बनता है? तुम कहोगे सर याद आ गया एल्कीन बनता है, सर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते तो एल्कीन बनता है, यस सर याद है बिल्कुल याद है। ने कहा अच्छा राधिका जानने के लिए देखते रहिए, क्या देख रही हो
कि एल्कोहलिक केवेट से रिएक्शन कराई, किसकी? इथाइल क्लोराइड की। तो तुम कहोगे सर वेरी इजी, एक कार्बन से सीएल निकल जाएगा, एक कार्बन से एच निकल जाएगा, क्योंकि आपने एल्कोहलिक केवेट से कराया। तो क्या बन जाएगा एल्कोहलिक केवेट से? तो सर एक से सीएल निकलेगा, एक से एच निकलेगा, तो बनेगा क्या? कहोगे सर वापस यही बनेगा, एल्कीन। हमने कहा अच्छा, अगर हम एल्कीन की रिएक्शन कराते Br2CCl4 से, तो तुम कहो कि सर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ Br लग जाएगा, BrCH2CH2Br। अच्छा अगर इसकी हम एल्कोहलिक क्यूवेट से करा दें, कहो सर कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहलिक क्यूवेट से करेंगे तो एक से Br, एक से H, फिर एक से Br, फिर एक से H, सर इथाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इथाइन बन जाएगी। सर अगर जो इथाइन बनी है उसका हम हाइड्रेशन करा दें, यानी कि H प्लस H2O HgSO4, तो सर अभी बताया था एल्काइन का हाइड्रेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। अरे वाह, अगर हम एल्डिहाइड का फिरऑक्सीडेशन करा दें सर एसिड बनता है। अरे वाह, सर एसिड की NaOH से करा दें, कैल्शियम ऑक्साइड से करा दें, एसिड की NaOH से करा दें, कैल्शियम ऑक्साइड से करा दें, हीट कर दें, तो क्या बनेगा? कहो कि सर जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। कैसे? ये देखिए सर, वापस वहीं पहुंच गए, यानी कि इसको कहते हैं रोड मैप। और अचानक अगर हम इसकी NaNH2 से रिएक्शन करा दें तो इससे प्रोडक्ट बनता है, अभी बताया था कि एक मोल NaOH होगा तो एक कार्बन का H रिप्लेस हो जाएगा, और अगर हम इसकी CH3Br से करा दें तो NaBr बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपाइन। और अगर हम वापस इसका हाइड्रेशन करा दें, क्योंकि सर एल्काइन का फिर से हाइड्रेशन, हाँ पहले तो इथाइन थी अब प्रोपाइन है, और प्रोपाइन का हाइड्रेशन होता है तो पता है क्या बनता है? तुम कहो कि सर पहले तो उसमें एक को एच मिलेगा, एक को OH मिलेगा, यानी यहां भी सर इनॉल बनेगा, तो इनॉल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में। कीटो कौन से कार्बन का? तीन कार्बन का कीटो, यानी क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। इसको बेटा कहते हैं रोड मैप, दिस इज कॉल्ड रोड मैप, जिसमें सारी कहानी एक झटके में सारी कहानी आ जाती है। राधिका तुम्हें को समझ में आया कैसे चलता है रोड मैप? सर थोड़ा समझ में आया? तुम कहोगे सर सारी रिएक्शंस एक जगह पे सब इकट्ठा हो गई, सब एक दूसरे से इंटर रिलेट होती चली जा रही है। तो हमने कहा था आज पहली बार देखा है ऐसे, तो रोड मैप मैं कई सारे बनाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम कहो तो दोबारा बनाए। No, sir. देखो देखो ये सारी रिएक्शन अभी मैंने तुमको पिछले मतलब 6-7 टर्म्स में बताई हैं, वो सब मैंने इकट्ठी तुम्हारे सामने लिखी हैं, और मैंने तुमको दिखाया जहां से चालू हो रही हैं वो एक दूसरे को इंटररिलेट करती हुई जा रही हैं। तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, तो देखो आराम से, अभी तो पहला रोड मैप आपने बनाया है, अभी तो तुम्हारी स्टार्टिंग है, ये रोड मैप आएंगे बनाने तभी तुम एडवांस का पेपर दोगी, वरना एडवांस का पेपर कहाँ से दिखाओगे? आज तुमने पहली बार रोड मैप बनाया है, ऐसे तुमको 100 तरह के मोड रोड मैप बनाने पड़ेंगे, अभी पहली बार में ना डरो, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, ये एकदम बेसिक रोड मैप है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक रिएक्शंस हैं, मैंने कोई अभी हाईफाई रोड मैप नहीं बताया है, क्योंकि मैं तो सारी रिएक्शंस आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप फिर एक काम करिएगा, घर पे इसको दोबारा बनाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है, दोबारा बनाइए, कोई चीज अगर नहीं आती तो आप उसको दोबारा करिए, बाकी और ना है तो फिर हमको बताना, हम दोबारा बना देंगे। अब हम जब दूसरी चीज पढ़ाएंगे तो मान लो मैंने फिनॉल वगैरह का कोई चैप्टर बना दिया, या कोई नाइट्रोजन का चैप्टर पढ़ाया है ना, ऑक्सीजन का चैप्टर बनाया, किसी का भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसका रोड मैप बनाएंगे। बोलो बेटा क्लियर है?
ओके तो बेटा ये रिएक्शंस पढ़ने का यही तरीका होता है, पहले स्टेप वाइज पढ़ते हैं फिर सब एक साथ इकट्ठी हो जाती है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, वो चैप्टर्स पढ़ते ही नहीं है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट इक्वेशंस पढ़ने लगते हैं, फिर कहते हैं समझ में नहीं आई। अरे भैया चैप्टर में जब एक एक बात पढ़ोगे तभी तो आपको रोड मैप अचानक समझ में आएगा। रोड मैप कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं रोड मैप्स को पढ़ लो तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। अरे रोड मैप को कैसे पढ़ लो तो चैप्टर आ जाएगा, आपको चैप्टर ही नहीं पता, आप रोड मैप में घूम जाओगे कि है क्या उसमें। ठीक है ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो केमिस्ट्री आपको थोड़ी थोड़े दिनों में इजी लगेगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि हम आपको इतना कराएंगे कि आपको एक टाइम बाद वो इजी लगने लगेगा। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपसे आज पूछता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशन ऑफ, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। क्योंकि राधिका तुमने कई बार सुना है कि सर कहते हैं कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, लेकिन तुमने सर से पूछा क्यों नहीं, क्या बेंजीन के अलावा 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बना ले, क्या वो एरोमेटिक नहीं होती। तो एरोमेटिक की कंडीशंस जो होती है, वो एक आदमी था जो फबलिंग करता था, मतलब हकलाता रहता था, उसका नाम है हकल। तो हकल ने बता के गया था, उसको कहते हैं हकल्स रूल। तो जो कंपाउंड हकल्स को फॉलो करते हैं, हकल्स रूल को, वही बेटा एरोमेटिक होते हैं। जो हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। क्लियर है बेटा? ओके, तो क्या होते हैं हकल्स रूल समझो बेटा। तो बेटा हकल्स रूल ये कहता है कि जैसे हकल सबसे पहले कहता है कि भाई हर बच्चा बेंजीन तो जानता ही है, तो पहले बेंजीन का एग्जाम्पल ले लो। तो हमने कहा ठीक है हम बेंजीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो हकल का ये कहना था कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी पहली नेसेसरी कंपल्सरी कंडीशन ये है कि उसका हर कार्बन एटम प्लेनर होना चाहिए, हर कार्बन एटम प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब होता है बेटा कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। और वैसे भी बेंजीन में हर कार्बन एटम प्लेनर होता है ना, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और sp2 का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, प्लेनर। क्योंकि sp2 का मतलब शेप कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, शेप में ही प्लेनर है, तो वो प्लेनर तो होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को देखिए और मजा लीजिए। ये देखो बेटा मैंने आपके सामने बेंजीन रिंग ओपन करके बना दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। तो बेटा अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो ये कंडीशन है कि उस रिंग में जितने भी कार्बन एटम है वो प्लेनर होने चाहिए, यानी कि उन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो बेटा बेंजीन में हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या होगा, sp2, क्योंकि मैंने बताया था पाई बॉन्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो तुम देख सकती हो बेटा हर बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, जिसकी वजह से रिंग प्लेनर होती है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, सबके लिए। दूसरी कंडीशन बेटा राधिका ये बताओ, जब बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तुम कहोगी सर रेजोनेंस जब होता है तो ये इधर चले आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर चले जाते हैं और ये इधर आ जाते हैं। तो दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में घूमते हैं और वो दूसरा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देते हैं। तो हकल्स ने पहला रूल बताया कि भैया प्लेनर होना चाहिए, दूसरा उसने बताया कि रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे, जहां पर जो n होता है वो होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। जैसे आपने n की जगह 1 डाला तो 4+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसमें, तुम कहो यस इसका मतलब ये एरोमेटिक है। एन की वैल्यू 2 डालो, 4 2 जा 8, 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूम ही नहीं रहे।
यानी कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमे, 6 इलेक्ट्रॉन्स घूमे, 10 इलेक्ट्रॉन्स घूमे, या 4 3 12, 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स घूमे, वो सब एरोमेटिक होंगे। तो राधिका, अगर तुम्हारे सामने कोई भी साधारण आदमी कह के पूछे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो तुम बेटा उसका जवाब बताओगी कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हम वेट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना रहे, तुम बताओगी, हम मजा लेंगे। तो राधिका, ये बेटा तुम्हारे सामने कंपाउंड बनके तैयार हो गया, और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए हर जगह HB लगा दिया, और तुम बताओगी कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ओके राधिका, बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ राधिका, बताओ। सर नहीं है। तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर हर कार्बन एटम प्लेनर तो है, यानी सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन सब जब ये रेजोनेंस करेगा ना कंपाउंड, तो सर 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे रेजोनेंस, और सर एन की किसी भी वैल्यू पे 8 तो आता ही नहीं है, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, तो 6 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 14 आएगा, तो सर ये एरोमेटिक नहीं है। तो सर ये एरोमेटिक नहीं है, बस ये हमको बताना है एरोमेटिक है कि नहीं है। तो तुमने देखते बता दिया नो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन हम तुमको थोड़ा सा और बता देते हैं, एक हकल्स के बाद एक पकल्स था, क्या नाम था उसका, पकल्स। पकल्स कहता था कि अगर 4n π इलेक्ट्रॉन्स कोई फॉलो करता है, जहां पे एन होता है नेचुरल नंबर, यानी कि एन की जगह 1 डालेंगे तो 4, 2 डालेंगे तो 8, 3 डालेंगे तो 12, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा 2 डालने पर 8 आ रहा है और प्लेनर भी है, तो इसका मतलब पकल्स कहता है कि ये एरोमेटिक तो नहीं होता, लेकिन जो इस लॉ को फॉलो करता है उसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है लेकिन एंटी एरोमेटिक कहते हैं। और पकल्स कहता है अगर रिंग का कार्बन एटम ही प्लेनर ना हो तो फिर बटिया भैया वो नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो बेटा तुमसे तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो मैंने तुमको एक्स्ट्रा बता दिया कि पकल्स कहता है अगर 4n π इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है, और रिंग का कार्बन एटम प्लेनर ही नहीं है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको अभी समझाया, अब मैं मजा ले रहा हूं और तुमसे और आगे पूछ रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन राधिका बताएगी, मैं बैठा हूं वेट कर रहा हूं राधिका का। राधिका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम बना रहे, तो ये ठीक है, बन गया, रेडी। ये नाइट्रोजन लगाया है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हर जगह कार्बन नहीं है, एक जगह हमने नाइट्रोजन बना दिया। तो राधिका बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ राधिका, राधिका क्या है कि नहीं है, है। है, क्या बात है, तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। तुमने पहले से पढ़ रखा है क्या ये सब? नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, ये एरोमेटिक बिल्कुल है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम कहोगे सर ये सर sp2 है, ये भी सर sp2 है, क्योंकि सर सबके पास एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है, सर ये भी सर sp2 है, सर ये 3 सिग्मा है, ये भी sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा sp2, और सर जब रेजोनेंस होगा तो उसका लोन पेयर इधर घूमेगा, ये इधर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो सर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 हैं, तो यानी कि सर ये 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये एरोमेटिक हुआ। गुड, आंसर इज गुड। मैं लिख देता हूँ गुड राधिका।
क्या बात है, तुमने तो एकदम ही पकड़ लिया कि एरोमेटिक क्या होते हैं। तो दिस इज एरोमेटिक। बहुत बढ़िया जवाब तुम्हारा, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं बता पाए थे अपने जमाने में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका तुम्हारी स्क्रीन पे, और तुम बताओगी कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। राधिका क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं है। सर नहीं है। हाँ वाह, क्या जवाब है तुमकी। सर पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि सर इसमें कार्बन है उसने खेल कर दिया है। सर देखिए ये वाला कार्बन जहाँ पे आपने रेड मार्क किया, सर इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के चक्कर में यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे होंगे, यानी इस कार्बन के पास चार हाइड्रोजन है, और चार हाइड्रोजन का मतलब होता है sp3, और सर बाकी सब का sp2 है। तो सर यहाँ पे तो खेल हो गया। और सर ये भी कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन जो है इसकी तीन वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी के लिए यहाँ एच लगा होगा, इसका मतलब चार सिग्मा है, ये भी सर sp3। तो सर प्लेनर के लिए तो सर sp2 होना चाहिए सबका, है ना। यहाँ पे तो सर दो कार्बन ऐसे हैं जिनका जो है अता ही पता नहीं है, वो sp3 लेके बैठे, यानी कि प्लेनैरिटी के रूल को ही खत्म कर दिया। तो ये बेटा नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनैरिटी का रूल ही खत्म हो गया। जो प्लेनैरिटी के रूल को ही खत्म कर देने तो वो कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक। ओके बहुत बढ़िया जवाब। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वो तो मैं बताना पड़ेगा। तो ये मैं आखिरी एग्जाम्पल आपके लिए बना रहा हूं, शायद हमें लग रहा तुम बता ले जाओ, क्योंकि तुम पकड़ लिया तुमने कि क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। मेन पॉइंट्स तुम समझ गई ना, तो तुम बता ले जा रही हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ बेंजीनी बेंजीन पूछते रहते हैं, और बेंजीन लोगों को रट जाता है कि ये सर बोलते हैं एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होगी, लेकिन कंपाउंड्स एग्जाम में बदल जाते हैं। तो बताओ बेटा ये एरोमेटिक है कि नहीं है तुम्हारी स्क्रीन पे। सर एंटी एरोमेटिक नहीं बेटा ये एरोमेटिक है ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने की पहली कंडीशन ये होती है कि रिंग का हर कार्बन एटम प्लेनर होना चाहिए। ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये एटम तो प्लेनर ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास तो दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इसकी वैलेंसी पूरा करने के चक्कर में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ही बिगड़ गया, इस तो sp3 है। ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की दोनों की पहली कंडीशन सेम होती है कि रिंग का कार्बन एटम मस्ट बी प्लेनर, यानी सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन दोनों के लिए अलग अलग होती है। अगर 4n+2 फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक, अगर 4n5 फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और यदि हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है पहली कंडीशन फेल हो गई तो बेटा वो होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। आई होप तुमने एंजॉय किया होगा। तो बेटा इसको जरूर याद रखना, और थोड़े से नोट्स वगैरह अगर मैंने कम लिखा हो, तुमको ज्यादा लिखा नहीं है मैंने, अगर तुमने लिखा हो लिखना हो तो अपने नोट्स और बना लेना, बाकी हम ये नोट्स तुमको भेज देंगे। तो राधिका अब हम लोग संडे को क्लास करें मॉर्निंग में। सर कैन आई मैसेज यू टिल टुमारो? कब बेटा? सर कल तक मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ, तुम कल तक आराम से बता देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक, ओके।